नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल में, आपके साथ चंद्र ओझा। ग्रामीण क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात, पंप से 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा की लूट। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। हबौर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र भी चोरी और लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं पंजाब सरकार पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के साथ साथ चोरी की वारदातें रोकने में सरकार नाकामयाब रही है। सरकार चोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी और शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा की थी, लेकिन शहर में दिनों दिन चोरी बढ़ती जा रही है। जहाँ बीते दिनों गाँव गोविंदगढ़ में एक ज्वेलरी शॉप पर चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों रुपए के गहने चोरी किए थे, वहीं बीती रात गांव बजीतपुर बोमा में एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए लुटेरों ने 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जिसकी सूचना मिलने पर डीएसपी देहाती अवतार सिंह ने थाना बहावलपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मामले की जाँच कर रहे डीएसपी अवतार सिंह ने कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच जारी है, आरोपी जल्द पकड़े जाएंगे। मीडिया को जानकारी देते हुए श्री बालाजी एनर्जी पंप के संचालक वे हनुमानगढ़ निवासी पुनीत महिपाल पुत्र सुरेश महिपाल ने बताया कि लुटेरे लाख रुपए से ज़्यादा लूट ले गए हैं। मैनेजर अरविंद सिंह वे बस के कंडक्टर भूपराम ने घटना बाबत जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना की तरह वह पंप के पास ही सोया हुआ था। तड़के 4 बजे कुछ लोग आए और उसे उठाया, इसके बाद उसे उल्टा लेट जाने को कहा और धमकी दी कि यदि शोर मचाया या कोई हरकत की तो गोली मार देंगे। इसके बाद वे उल्टा लेट गया। इसके बाद आरोपियों ने ऑफिस के गेट का ताला तोड़ा और काउंटर की दराज तोड़कर उसमें से 1.25 लाख रुपए से ऊपर की धनराशि निकाल ली। आरोपी जाते जाते कैमरों की डीवीआर और पंप चलाने वाली मशीन भी अपने साथ लेकर चले गए। सुबह उन्होंने पुलिस व पंप मालिक को इस बाबत सूचित किया। वहीं पेट्रोल पंप पर खड़ी बस के कंडक्टर 3SKM घरसाना निवासी भूपराम पुत्र कृष्णलाल ने बताया कि आरोपी उससे भी 11,300 रुपये की नकदी लूट ले गए। वहीं घटना की जांच कर रहे डीएसपी अवतार सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। सीसीटीवी कैमरे लग गए, ये सारी रिकॉर्डिंग होंगी, ये सारी तारा तुना पट के डब्बे सब कुछ ले गए जी। आप क्या मशीन दे दी जी, ऑनलाइन सिस्टम है वो सारा ले दी पट। इस तो बाद आ देखो अंदर आ लॉक तोड़ है जी, आ लॉक तोड़ के ते चाबी तो है नहीं सी, आ लॉक तोड़ के कैश इतने कैश सारा ले दी। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੱਟ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ GPS ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਗਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਚਾਬੀ ਥਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਦੋ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। लुट वारदात की अपना
खड़ा है चार पांच है जी अरे आगे मत तो पहला वो मैंने जो उठे हो मैं रोड़ो को तो मन जागा ही भी तो मारा वो पर जाएगी दी सोचो चुपचाप तो नहीं मार देगा यार फिर अंदर बढ़ गए सब तोड़ गए गेट और अंदर लुट कर ले गए की ना की दादा मेरा अरविंद सिंह है जी की गल की हुई सी की कदो पता लगा जी 4 बजे इत्थे सुत्ते पए सी जी असि 4 5 बंदे आए हन चलते जी डाटे मारे सी आंदे उठा के ते उत्ते खड़ के चाबी चुबी कितने मैं कह जी इतनी होनी दिल्ली ना गोली मार दिया मैं कह जी मारे ना मुद्दा पे जा मुद्दा पे सिट के उत्ते रजाई के अके उत्ते खड़े रहे उसके गेट गुट तोड़े आए सीगे उन्हें कोई वेपन वगैरह है जी नहीं जी देखे नहीं और बाकी और डॉक्टर वगैरह वो सीगे कोई ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਬੱਠੇ ਕਰ ਪਏ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 5:30 ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਭਾਲੀ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਦੂ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਹ ਬੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਲਗਭਗ ਜੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਾਜੀ ਪੰਪ ਹੈ ਮੰਪੂਰੇ ਵਿਕੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ